उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंसानियत की नायाब मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सड़क पर बेहोश पड़े एक व्यक्ति को अपने काफिले के कार से अस्पताल भेजा। मामला देहरादून जिले के डाईवाला का है, जहां मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उन्होंने सड़क पर एक व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा। मुख्यमंत्री ने तुरंत ड्राइवर से कार रुकवाई और खुद उतरकर उस व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया। बिहार के मोतिहारी में भीड़ ने मालगाड़ी से लगभग 50 लाख का प्याज लूट लिया। तस्वीर में दिख रही हजारों की भीड़ मोतिहारी माल गोदाम पर खड़ी मालगाड़ी से प्याज लूटती रही और आरपीएफ नदारद रही। हैरानी की बात यह है कि भीड़ जब प्याज लूटने लगी तो इस भीड़ को देख कई छात्र और संभ्रांत लोगों ने भी इस लूट में अपना हाथ साफ किया और मालगाड़ी की बोगी को खाली कर डाला। लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लूटा जा रहा है और अधिकांश जो है इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं जो इस टाइप की घटना कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में मदरसे के मैनेजमेंट कमेटी में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट। मामला परिहार प्रखंड के जियाउल उलूम मदरसा बेतहा का है। यहां कई सालों से प्रबंध समिति को लेकर दो पक्षों में लड़ाई चल रही है, जिसकी शिकायत मदरसा बोर्ड को की गई, जिसके बाद जांच के लिए एक टीम पहुंची थी। जांच के दौरान ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। हालात बिगड़ते देख जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जांच छोड़कर भाग निकले। बिहार के नवादा में वक्त पर इलाज नहीं मिलने से घायल युवक की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने अस्पताल को ही आग लगा दी। घटना नवादा के नरहट प्रखंड की है, जहां एक युवक को घायल हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। लोगों का आरोप है कि वक्त पर इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत हो गई। पंजाब के नाभा में गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। यहां दो गुटों में हुई लड़ाई में घायल व्यक्ति को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, तभी बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर फिर घायल व्यक्ति पर हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के बारा में कुएं में फंसी गाय को निकालने उतरे तीन युवकों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई, जबकि चार लोग की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झारखंड में सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने लगा है। रांची में विपक्षी दलों की बैठक में फैसला हुआ है कि सीएनटी एसपीटी समेत तमाम मुद्दों पर 10 जुलाई को विपक्ष राजभवन के सामने धरने पर बैठेगा। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पुलिस के एक जवान ने AK-47 से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान विजय सिंह ने जिस समय खुदकुशी की उस समय उसकी प्रेमिका भी वहां मौजूद थी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विजय ने खुदकुशी क्यों की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बारिश के मौसम में भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री राम सेवक पेकरा ने कहा कि नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर मारा जाएगा। ऑपरेशन प्रहार से जवानों के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने यूपी से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी बालोद से हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रक्षा एसोसिएट एंड पेस लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई और करीब 3,000 बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी कर ली।